हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। तो आज जो रेसिपी मैं शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही स्पेशल है और ये बहुत कम लोग जानते हैं बनाना। इस रेसिपी का नाम है लाहौर स्पेशल मुर्ग चना छोले रेसिपी। तो चलिए आज का जो रेसिपी है वो हम बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों ये रेसिपी एकदम सही तरीका से हमने बनाया है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज का रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम हमने काबली चना लिया है और इसे हमने 5 से 6 घंटा तक भिगो के रखा था। अब काबली चना जो है हम इसे बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1 केजी चिकन लिया है। आज हम चिकन और काबली चना का एक नया रेसिपी बनाएंगे। तो चिकन जो है हमने अच्छे से यहाँ पे धुलाई करके रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमने काबली चना को उबालने के लिए गैस पे चढ़ाया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे ताकि जो काबली चना हो वो अच्छे से पक जाए। चना बॉईल हो रहा है उतने देर में हम मसाला का पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है पेस्ट के लिए गोटा धनिया थोड़ा सा, 2 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच जीरा गोटा, 10-11 पीस हम लौंग देंगे, 6 ठो इलायची और 3 ठो काला इलायची, 2-3 ठो दालचीनी ऐड करेंगे तोड़ कर। यहाँ पे हमने मसाला जो ऐड किया है इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें हम सूखा ही पीसेंगे इसको, इसमें पानी ऐड नहीं करना है। तो इसे हम मिक्सी में घुमा लेते हैं पहले। यहाँ पे जो मसाला था उसका हमने मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लिया है सूखा सूखा। यहाँ पे हमने 2 ठो लहसुन लिया है। अब इसे हम मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमने लहसुन का भी पेस्ट बना लिया है। अब इसे हम छकनी से छान देते हैं। यहाँ पे हमने 100 ग्राम आदा लिया है। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे। हमने यहाँ पे जो लहसुन का पेस्ट बनाकर हमने छान कर रखा था वो पानी है। अब इसे हम आदा में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने जो आदा का पेस्ट बनाएंगे इसमें हम वो पानी को ऐड करेंगे। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमने आदा का भी पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। इसे हमने एक बोल में निकाल दिया है। चना को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। दोस्तों हमने इसमें सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया है और चना जो है एकदम इस तरह से गोटा रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, खड़ा बॉईल होना चाहिए। अब हमें ऐड करना है यहाँ पे 300 ग्राम घी। हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो उसमें सिर्फ घी ही लगेगा। यहाँ पे हमने 300 ग्राम घी ऐड किया है कढ़ाई में। घी जो है गरम हो रहा है। यहाँ पे घी जो है गरम हो चुका है। अब हम इसमें 2 ठो कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम अच्छे से पकाएंगे और ब्राउन करेंगे। हमने जो आदा का पेस्ट बनाया था उसे ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिर्ची का पेस्ट बना के रखा था, अब इसे हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने अदरक का और लहसुन का मिर्ची का जो पेस्ट ऐड किया है इसे हम अच्छे से भुनेंगे और पकाएंगे। हमें उतना देर तक इसे भूनना है जब तक इसका जो घी और मसाला एक साइड ना हो जाए। तो हमें इसे अच्छे से भूनते रहना है दोस्तों 15 मिनट तक। अब ये चिपक रहा है तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा मारेंगे। ये देखिए, तो हमने मसाला को अच्छे से भून लिया है। ये मसाला जो अच्छे से पक चुका है, घी एक साइड और मसाला एक साइड हो चुका है। हमें इसी तरह से मसाला को भूनना है। तो हमें 15 मिनट लगा है। अब हम जो चिकन है उसे ऐड करेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि घी जो हो अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाला चिकन के साथ।
अब एक चम्मच हम हल्दी ऐड करेंगे, एक चम्मच चिली फ्लेक्स। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब चिकन को हम अच्छे से भून कर फ्राई कर लेते हैं। चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। हमने यहाँ स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है, क्योंकि हमने चना में पहले से ही नमक ऐड किया है एक चम्मच बॉईल करते वक्त, तो आप उसी हिसाब से नमक ऐड करें। अब हम इसमें 5 हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरा मिर्च ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा देरी और भुनेंगे। तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस का स्टीम लो कर देंगे या बंद कर देंगे। चना को बॉईल करके रखा था, उसे हम पानी सहित ही इसमें ऐड करेंगे। गैस का जो टेम्परेचर है वो हाई कर देंगे। अब हम अच्छे से इसको पकाएंगे जब तक कि ये उबाल ना आ जाए। उबाल आ चुका है। अब हम मसाला का जो पाउडर हमने बनाया था, अब उसे हम ऐड करेंगे। अब हम मिक्स कर लेते हैं मसाला को अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट बना है, आप देख सकते हैं। 2 सेट करेंगे कस्तूरी मेथी। दोस्तों हम लाहौर स्पेशल है, तो अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब थोड़ा देर हम पकाएंगे मुर्ग छोले को। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे लाहौर स्पेशल मुर्ग छोले रेसिपी बन के तैयार हो चुका है और ये परफेक्ट बना है। आपको एक प्लेट में निकाल के हम दिखाते हैं। गैस बंद कर देते हैं हम। दोस्तों ये सही तरीका है बनाने का, हमने जो बनाया है वो सही तरीका से बनाया है, मुर्ग चना छोले रेसिपी। अब हम आपको एक प्लेट में निकाल के दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो हमारा लाहौर का स्पेशल मुर्ग छोले रेसिपी बन के रेडी हो चुका है। दोस्तों यही सही तरीका था बनाने का और सही में ही असली मज़ा होता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। मुर्ग छोले का जो ग्रेवी होता है दोस्तों, वो पतला ही बनता है, तो आप इसे पतला ही बनाएं इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का रेसिपी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।